दांत दर्द में चुटकी में आराम दिलाए ये नुस्खा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दांत हमारे मुंह का अहम हिस्सा है। आजकल बहुत से लोग दांत दर्द से परेशान हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो घबराए नहीं, आइए जानते हैं आयुर्वेदिक नुस्खा और पाइए दांत के दर्द से तुरंत राहत। दांत संबंधी सभी प्रकार के कठिन और असाध्य रोगों के लिए बाइबिडंग अचूक औषधि सिद्ध हो चुकी है। यह आयुर्वेद रिसर्च काउंसिल दिल्ली का अनुसंधान है। आइए जानते हैं कैसे करना है इसका उपयोग। आवश्यक सामग्री: बाइबिडंग 10 ग्राम, सफ़ेद फिटकरी 10 ग्राम और पानी 3 लीटर। बनाने की विधि: 10 ग्राम बाइबिडंग और 10 ग्राम सफ़ेद फिटकरी थोड़ी कूटकर 3 केजी पानी में उबालें। 1 किलो पानी बच जाए तो छानकर इसे बोतल में भरकर रख लें। तेज दांत के दर्द में सुबह शाम इस पानी से कुल्ला करने से 2 दिन में ही आराम आ जाता है और अधिक दिन तक करने से दांत पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं। बाइबिडंग और फिटकरी दोनों ही आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी। दांत रोगों में परहेज: तंबाकू, गुड़, इमली, गीला चना, बैंगन, उड़द, मसूर, अमरूद, भैंस या भेड़ का दूध, बर्फयुक्त पदार्थ, ठंडे पेय, मांस मछली, बलगम आदि पैदा करने वाले पदार्थ, मीठे खाद्य पदार्थ, ठंडी लस्सी, आइसक्रीम, पिपरमेंट आदि से परहेज करना चाहिए। और खाने योग्य भोजन: तिल, मेथी, मूंग, मट्ठा, शहद, मुनक्का, अनार, सेब, ईख, छुहारा, बादाम, पपीता, सौंठ, हल्दी, नींबू, परवल, मूली, गाजर, लहसुन, हींग और चोकर युक्त आटा। कुछ भी खाने से पहले और बाद में स्वच्छ जल से कुल्ला करें। दांतों से नाखून ना काटें। जब भी मिले मूली, गाजर, गन्ने के टुकड़े दांतों से चूसें। नमक में फ्लोराइड होता है, नमक के पानी से अच्छी तरह कुल्ले करें। कड़वी नीम के 3-4 हरी पत्तियां चबाकर थूक देनी चाहिए। इससे दांत, जीभ और मुंह एकदम साफ और निरोगी रहते हैं। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।